से मेरा जिम शुरू, जो तू बोले मैं करूँ, ना डरूं पर सुट्टा और दारू, पंप बनेगी मेरी बॉडी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आजम खान व्लॉग्स। और जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे कि क्या मुझे ब्लॉग्स बनाना चाहिए जिम का, और यस नो या फिर वाइट मर्जी है तेरी, तो उसमें अभी तक तो मैंने अभी वो पे पोस्ट डाली है एक घंटे पहले, ठीक है, तो उसमें मोस्टली जो कमेंट हैं वो यस 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 आ रहे हैं। जाते हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ जिम। और सच बताऊँ ना, समटाइम्स ऐसा होता है, सबके साथ में ऐसा होता है कि जिम जाने की हिम्मत नहीं होती सब, क्योंकि मैं रात को आया और मेरी ना बॉडी को रेस्ट चाहिए था। तो फाइनली गाइस जिम तो मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन ना बॉडी में थकावट है। और मैं ना सोच रहा था सुबह कि यार क्या मैं शाम को जा सकता हूँ, लेकिन शाम को जाऊँगा तो शाम को मतलब नमाज का टाइम होता है और असर की और मगरिब की जो नमाज है वो छूट जाती है, तो मैं आ तो गया हूँ, तो देखते हैं। बॉडी में ना थोड़ी थोड़ी थकावट है, बट मेरे पास प्री वर्कआउट है, देखते हैं वो क्या करता है। टेस्ट अच्छा नहीं होता, बड़ा गंदा टेस्ट, लेकिन अच्छी एनर्जी देता है। तो भाई स्टार्ट करना है वार्म अप से, सीरियसली अभी तक ना प्री वर्कआउट करा नहीं है, और मेरे को स्टार्ट वार्म अप से करना है, और वार्म अप खतरनाक करना होता है, बॉडी को हीट करना होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं पूरा चीज़ दिखाऊंगा कि क्या भाई कैसे है, मैं जिम करता हूँ, कौन कौन से सेट लेता हूँ बाइसेप में, बट अभी के लिए ना दिल नहीं कर रहा, लेकिन प्री वर्कआउट पी लिया है, शायद अंदर से कुछ 5 मिनट या 6-7 मिनट बाद थोड़ी एनर्जी अच्छी आ जाए, बट अभी वार्म अप स्टार्ट करते हैं। ये शोल्डर का सेट है, जज मत करना कि आदम भाई बाइसेप लगा रहे और शोल्डर लगा रहे, ये शोल्डर का सेट है क्योंकि मैं एक दो शॉर्ट सेट लेता हूँ, क्योंकि ताकि जो सारी मसल्स हैं वो एक बार खुल जाए। और जो पहला सेट है ना, मतलब खतरनाक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो आपको रॉड दिख रही होगी, रॉड डंबल कर, फिर रिवर्स रॉड, उसके बाद में हैमर, और सबके 12 से 15 रैप, और 1, 2, 3, 4 ये मेरा एक सेट होता है, ठीक है। आप देख भी लो, बहुत सही बढ़ जाता है, और नॉन स्टॉप मारना पड़ता है चारों चीज़ें। कैसे हो रोहित भाई? भाई मैंने आपसे कल कुछ पूछा था, तो क्या क्या लेना चाहिए, मेरी जनता भी सुनना चाहिए। डाइट में, डाइट में, हेल्थ में, मेरी बॉडी के लिए प्रोटीन हाई होना चाहिए, और आपके कार्ब्स लोड होने चाहिए, कार्ब, हाँ, और कैलरीज मेंटेन रखनी है, कितनी कैलरीज ले रहे हो आप, कितने कार्ब्स ले रहे हो, ये
ये तो मतलब प्रॉपर ऐसा होता होगा ना कि मतलब खाने में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, सुबह से क्या 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 रूटीन चलना चाहिए, उसी टाइप से अगर वेट आपको मेंटेन करना कम से कम 300 कैलोरीज लेनी चाहिए पर डे। अभी अभी भाई से मैं लिखवाऊंगा पूरी प्रॉपर डाइट पूरे दिन की, ठीक है भाई? ओके भाई, जो अगला सेट है उसमें क्या करना है ये देखना, बूथ बम सर। तो अगला जो सेट है ना उसमें ना लाइट वेट लेना है, डंबल कर्ल्स करने हैं, लेकिन एक अलग टेक्निक है कि ऊपर नीचे से हैमर लाना और ऊपर लाके दूसरे ट्विस्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और इसके जो मैक्सिमम सेट मतलब रैप होते हैं ना वो होते हैं 12 से 15 पर। शायद ये एंगल ठीक नहीं था बट सेट यही है। और ये मतलब बाइसेप्स का ना सबसे बेस्ट सेट मुझे लगता है, क्योंकि इसके बाद जो पंपिंग होती है ना वो अलग लेवल की होती है। तो फाइनली गाइस बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, मैंने ज़्यादा ही सेट ले लिए। बस अब निकलते हैं, पहले बस थोड़े से फोर आर्म्स ले लेते हैं। और बाइसेप्स के बाद में फोर आर्म्स जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, हमेशा हम नॉर्मल लिया करते थे, मैं भी नॉर्मल लिया करता था, बट इसका एक एडवांस सेट भी है कि आपको भारी से भारी डंबल लेना है और उसको होल्ड करके रखना है जब तक आपकी हाथ पूरी तरीके से भर ना जाए, फोर आर्म्स पूरी तरीके से भर ना जाए। मैं दिखाता हूँ, जब तक हाथ नहीं हो जाते ना इसे पूरा लेना है, मतलब ये चीज़ ना पूरी सॉलिड हो जाती है। खत्म, जिम खत्म और मैं आके बैठ गया हूँ गाड़ी में, और गाड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा हीट। तो बस इससे पहले थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ते हैं और कर देते हैं एसी फुल, और करते हैं दो बातें आपसे। जो एसी में से पहले गर्म हवा निकलती है ना वो। तो ये था ब्लॉग आज का, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि यार मैं ना मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत तगड़ी जिम आती है, मेरी बहुत अच्छी बॉडी है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बस हाँ, मुझे आजकल अच्छा लगता है जिम आना, इसलिए मैंने अपना एक अकाउंट भी बनाया है फिटनेस के नाम से, आज़म खान फिटनेस, उसे भी जाके फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस आजकल अच्छा लगता है, और एक एडिक्शन हो गई है जिम की कि यार जिम जाओ, अपने आपको फिट रखो, इससे क्या होता है सब कुछ ठीक रहता है, मतलब अच्छा लगता है आपको, पूरा दिन आपका बहुत, आप ना पूरे दिन पॉजिटिव रहते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको, आप जिम जाओ और अच्छी तरीके से जिम करो, अच्छी डाइट लो और अपनी लाइफ में खुश रहो। ये था आज का प्रॉपर ब्लॉग, ठीक है? और हाँ, एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको और ब्लॉग चाहिए जिम के ऊपर, वैसे तो मैं जिम के इतने नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यार मेरे को एक्सरसाइज करने में ज़्यादा मज़ा आता है, आज थोड़े से ब्लॉग के चक्कर में मैं नहीं बना पाया। अगर आपको और ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को ना लाइक कर देना, लाइक अगर 2-3 हज़ार भी लाइक आ गए ना अभी शुरुआत में, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो चैनल पे मैंने कुछ नहीं डाला है, आज़म इस चैनल पे कुछ नहीं डाला है, अगर 3,000-4,000 भी लाइक आ जाते हैं इस वीडियो पे तो वी विल कंटिन्यू, ठीक है? हम कर सकते हैं। तो एंड करते हैं, बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखो और खुश रहो, लव यू ऑल।